इनकी उम्र 90 साल के करीब है। ये नमाज पढ़ती है, अल्लाह की इबादत 5 वक्त करती है। इनको एक साइड पर उन्होंने फेंक दिया खोले में, एक जिसने अपने पूरी नस्ल पैदा की। हाँ। अच्छा क्या ना है, क्या ना है? ऐसा भाई अखी में माई मम्मा कहती है इसको मैं पी जाऊं कंधों में डालूंगी। मुझे कतरा है माँ भाज के 4-5 महीने बैठे रह गया। अच्छा मरोत ना खल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन आप देख रहे हैं खिदमत खल टीवी। मैं सदके जाऊं अपनी अम्मा पे, छोटी सी पक्षी और ये बिस्तर पड़ा है। नहीं नहीं अब बैठ जो। मैं सदके जाऊं अम्मा का जी, छोटा सा ये कमरा है, कमरे के साथ अम्मा रहती है। अम्मा जिंदगी किस तरह सरवाइव करती है, किस तरह गुजारा करती है आप देखें। ये बिस्तर है, यही सोने की जगह। सबसे बड़ी सुकून है इनकी, मुझे ये बात लगी, इनकी उम्र 90 साल के करीब है। ये नमाज पढ़ती है, अल्लाह की इबादत 5 वक्त करती है, कुरान पाक पर। आपको पता है जब किसी बुजुर्ग के दिल से दुआ निकलती है ना, वो अर्श तक जाती है। अगर किसी बुजुर्ग को कोई चीज टच करती है ना, अल्लाह कहता है कि अपने माँ बाप के साथ गुस्से से बात ना करो, उन्हें भी बुजुर्गी में ऊंची आवाज से बात ना करो, ये तो फिर भी बुजुर्ग है। गुनाहों से पाक है इंसान, बचपन में एक बुजुर्गी में गुनाहों से पाक होता है। अब इनकी इंटरव्यू मैं दे रही हूँ, मैं अपने रब को हाजिर नाजर करके कह रही हूँ, समझ ले इनकी कुलीक हूँ मैं। और मैं किसी को मैंने नहीं बुलाया, इनकी बहुएं खड़ी हुई हैं। लेकिन आपको पता है हर बंदा अपने तक है, इनके बच्चे भी हैं, औलादों की औलादे हैं, लेकिन हर कोई आप अपने आप का है। इन्होंने आंखें बनवानी है, पैसे नहीं है। इनको एक साइड पर उन्होंने फेंक दिया खोले में, एक जिसने अपने पूरी नस्ल पैदा की। एक बरगद का पेड़ बनाया, वो पेड़ हर कोई किस तरह है, कोई किधर है, कोई किधर है। ये पूतरे पड़े हुए हैं, पूतरे ये बुजुर्ग औरत, ये जो इनको क्या आपको लोगों को समझाऊं, तकड़े नुमाज होते हैं। ये बना बना अम्मा कोई 100 रुपए, कोई 50, 150 भी कोई नहीं देता। किसी के पास इतना टाइम नहीं है अम्मा को आके मिल जाए, थोड़ा बहुत इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा एक तो है बहरी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्या ना है, क्या ना है? ऐसा भाई अखी में अब ये समझ रही है, ये आंखों वाला कतरा है, मैं आंखों में डालती रहूंगी, इनको बात कर रही है, दे रही है। जी जी बोले बोले पीवा दी है। अल्लाह अम्मा अल्लाह। हाँ मैं क्या अल्लाह अल्लाह इसके आगे अल्लाह। अच्छा ये पीसा चाह जाना है, पीना दी है। सबके जाऊं मैं, मेरी अम्मा माई मम्मा कहती है इसको मैं पी जाऊं कंधों में डालूंगी। मुझे कतरा है क्या तेल पढ़ाते घटे नहीं रह गया देने से कहीं नहीं है खाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? आयशा। आयशा क्या लगती हैं आपकी, आपकी दादी हैं? यस। तो ये बताएं कि ये अकेली यहाँ पे रहती हैं, किस तरह ये गुजारा करती हैं? सुनती भी नहीं है, उतर उतर वाण वाण के। आंखें भी इन्होंने बनवानी है, आंखों भी इन्होंने बनवानी है, पोते भी ये करती है। ये जो अम्मा को देख रहे हैं, वो अम्मा की क्या मदद करें? ये राशन भी दे सकते हैं और इनकी आंखें भी बनवा सकते हैं। आंखें बनवाए उन्हें, राशन दे, ये सुन नहीं सकती, बहरी है ना? यस। अरे बेटा दिखाओ, अब आप जाओ बेटा, ये सुन नहीं सकती, ये बहरी है, इन्होंने आंखें भी बनवानी है। और ये इसको कतरा समझ के, आंख का कतरा समझ के आंखों में डाल रही थी, कितनी पी भी लोगी, झाल भी लोगी, कितनी क्यूट सी हैं ये, गोलू मोलू सी होती है। बता क्या थी, बीमार थी तो रह गया, बता माँ भाज के 4-5 महीने बैठे रह गया। अच्छा वे सदके रो ना अम्मा, रोत ना। ये इनका सर कहाँ पर कहती है मेरा बादू टूट गया, 4-5 महीने बैठी रही, नहीं तो तुम सूखी पई हूँ, मतलब कमजोर हुई हुई हूँ खाने को। तो ये बादू को इसको 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 क्या हुआ है जी? इसको इसको क्या हुआ है? ओ भगवान, ये बात मानी है ते घिर के पई, बात मानी है इसको। हाँ दुआ मांगा करो, दुआ दुआ अल्लाह से दुआ मांगा करो, ठीक है? जो देख रहे हैं उनके लिए दुआ मांगा करो। पढ़ती हूँ जी, दुआ मांगा करो। नहीं
पांच वर्ष की नमाज पढ़ लिया मैं, एक महीना काय नहीं पढ़ी, बाद जो है मैं पढ़ दिया भाई। मैं सदके मेरी अम्मा पढ़ेगी, मैं सदके जाऊं अपनी अम्मा पे। मैं बड़ा पाए थे बड़ा सारा, कुरान पाक पढ़ती हैं बड़ा सारा। मैं इतना कहना चाहती हूँ खुदा के लिए, ये आपकी माँ की जैसी है। आपको पता है अगर आप अपनी कमाई के, नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कमाई के तीन हिस्से करो। मैं बैठी हूँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ तक जाऊंगी नहीं जाऊंगी। ये दुनिया मकफात अमल है, आपकी भी माएँ हैं बहनें हैं, आपने भी बेटियाँ पैदा करनी है। खुदारा अपनी कमाई में से तीन हिस्से करें। और ऐसे बुजुर्ग लोगों की अगर आप महीने का कुछ ना कुछ इसको देंगे तो आप सोच भी नहीं सकते। रोज़े मैशर इस ये गुंग दाम है, एक किस्म की मासूम बच्चा है। अल्लाह आपको इसका कितना अजर देगा। आप वीडियो देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किसी नेक फरिश्ते तक जाए और ऐसी अम्मा की मदद कर सके अल्लाह ने के बाद।